हेलो दोस्तों, जी टेक्निकल इन्फो में आपका स्वागत है स्टेप बाय स्टेप हेल्प। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कैसे आप अपने मोबाइल फोन से आसानी से बिजली का बिल डाउनलोड कर सकते हैं, उसको बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं कैसे आप अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप या कंप्यूटर से आसानी से घर का बिजली का बिल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज यहां पे आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है NPDCL। आपको क्या करना है, NPDCL लिख के आपको यहां पे सर्च करना है। जैसे आप यहां पे NPDCL लिख के सर्च करेंगे, यहां पे बिजली का ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहां पे सबसे ऊपर यहां पे देखने को मिलेगा, https://npdcl.co.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से भी इस लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको क्या करना है, इसको थोड़ा जूम कर लेना। थोड़ा जूम करेंगे तो पूरा आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप जूम करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उपभोक्ता संख्या डाले। तो गाइस क्या करना है, आपको इस बॉक्स में अपना कंज्यूमर नंबर डालेंगे। जो भी आप पिछला बिल होगा उस बिल में आपका क्या रहेगा, कंज्यूमर नंबर रहेगा। उस कंज्यूमर नंबर को क्या करना, इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद गाइस यहाँ पे देखने को मिलेगा सबमिट। तो चलिए यहाँ पे अपना कंज्यूमर नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे अपना सही सही कंज्यूमर नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा सबमिट। तो गाइज क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे सबमिट में क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइज क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम कर लेना, क्योंकि जूम करेंगे तो आपको क्लियर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डालेंगे यहाँ देख सकते हैं सी ए नंबर यहाँ का ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। कंज्यूमर नंबर यहाँ देख सकते हैं आ चुका है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कंज्यूमर नेम, यहाँ पे कंज्यूमर नंबर नेम आ गया। और यहाँ पे बिल मंथ, यहाँ पे बिल का जो मंथ है कब से बकाया है वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ ड्यूज डेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे ड्यूज डेट देखते हैं। और नेट पे बिल बिफोर ड्यूज, मतलब जो मेरा बिल जो है वो ड्यूज कितना है देख सकते हैं, 9,946 रुपीज ड्यूज है। और उसके बाद यहाँ पे ड्यूज देखें, यहाँ पे देख सकते हैं आपको मुझे कितना रुपया पे करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट पेबल आफ्टर ड्यूज, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज मुझे यहाँ पे अपना बिल को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए गाइज क्या करना, आपको थोड़ा जूम करना है और इधर आ जाना, तो आपको लास्ट में आना। लास्ट आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे देखने को मिलेगा पे बिल, यहाँ से आप अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बिल में आपको लेकर चले जाएगा, वहाँ से आप बिल को पे कर सकते हैं। तो मुझे अपना यहाँ पे अपना बिल डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए गाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा व्यू बिल। बस क्या करेंगे, आपको यहाँ पे व्यू बिल में क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे व्यू बिल में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज यहाँ पे क्या करना है, अपना यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मेरा जो कि बिल ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। जैसे डाउनलोड में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका बिल डाउनलोड हो जाएगा। बस क्या करना गाइस, इसको आप प्रिंट करके आपको इसको निकाल सकते हैं गाइस। तो गाइस आपको यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे आप जूम करेंगे यहाँ पे बिल में आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नाम पता एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे, टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सारा बिल यहाँ पे इधर जूम करके देखेंगे यहाँ पे सारा बिल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका गाइस इस तरह का बिल आपको ये आपका ओरिजिनल बिल हुआ गाइस। यहाँ से बड़ी आसानी से अपना बिल घर का बिजली का बिल यहां से आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। आपको दुकान जाने की कोई जरूरत नहीं है और बिजली ऑफिस भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने मोबाइल फोन से आसानी से अपना घर का बिजली का बिल डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। बड़ी आसानी से देख सकते हैं गाइस, पूरा आपका PDF में डाउनलोड होगा। इसको क्या करना, आपको जाकर प्रिंट करना चाहते हैं तो कैफे में जाना, कैफे में जाने के उसको व्हाट्सएप में उसको भेज देना। व्हाट्सएप भेजने के बाद इसको कहना कि मुझे प्रिंट में निकाल दो। बस इस तरह से आप आसानी से अपना घर का बिजली डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना कुछ क्वेरीज होता कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं।